हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन हियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूं हमारे चैनल एजुकेशन हाइक्स पे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम कवर करेंगे। ठीक, चैप्टर बहुत ज्यादा पड़ा है तो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल तीन ही टॉपिक कवर करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इन्हीं तीन टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए जानते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास 10 ज्योग्राफी का 1st चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। तो रिसोर्सेज किसे कहते हैं, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। जब भी क्लासेस में आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं टीचर्स, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जब कितनी भी बार जब मैं क्लास में एसएसटी पढ़ाता था तो मैं जब बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करता था कि चलो प्लीज स्टैंड अप एंड लेट मी नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो वो लोग खड़े हो गए, कह रहे थे सर रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो बेटा आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन से मीनिंग नहीं आती, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें उन चीजों को डिफाइन करने की जरूरत होती है। ठीक है, आपसे यदि आप अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, आप लिख दोगे संसाधन, मिल जाएंगे नंबर, फुल्लू लेना बाबा जी का। ठीक, रिसोर्सेज को डिफाइन करना होगा और डेवलपमेंट को भी डिफाइन ही करना होगा। ठीक, तो आओ चलते हैं, जानते हैं रिसोर्सेज वाकई में है क्या और डेवलपमेंट क्या है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे लिखा है एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और फॉर रिसोर्सेज। कह रहा है कि हर वो चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है ये याद रखना, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन क्या सभी चीजें हमारी जरूरतों को पूरा करती है, नहीं। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन सभी चीजें हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती है। तो वह चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में हो और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हो वो कहलाएगी आपकी रिसोर्सेज। ठीक, ओके, अब देखो इस पर्टिकुलर डिफिनेशन को थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाएगा ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप इतना ही कर देना, और अगर शॉर्ट में पूछ लिया गया तो शॉर्ट की वर्ड लिमिट आपको पता 50 वर्ड होती है, 50 वर्ड की नहीं है, तो वहां तक करने के लिए हमने इसको थोड़ा बड़ा किया है। और भी क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए किसी पर्टिकुलर डिफिनेशन को हमें दो या तीन तरीके से जानना और समझना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और हमारी कैचिंग पावर उस पर्टिकुलर डेफिनेशन की ओर और अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। ठीक, तो हम चलते हैं, इसको और भी अलग तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल द थिंग्स व्हिच आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल एज पर दीज रिक्वायरमेंट सैटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे अगर कोई चीज हमारी हमारे क्या कहते हैं नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो वो भी रिसोर्सेज कहलाती है। अब वो तीन फैक्टर्स क्या हम जानते हैं। पहला कह रहा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो हम तक एक्सेस हो, यानी कि हम तक पहुंच सके, पहला। दूसरा कह रहा है इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ठीक है, जो भी चीजें हैं एनवायरमेंट में वो क्या कहते हैं इतनी ज्यादा महंगी ना हो कि हम उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, इसका मतलब है इकोनॉमिकली फिजिबल। तीसरा है कल्चरली एक्सपेक्टेबल, जो भी चीज है वो सोसाइटी में रहने वाले जितने भी ग्रुप ऑफ सेक्शंस हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, सभी उसको एक्सेप्ट करें। ठीक, अगर इन तीन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो चीज हमारे जरूरत को पूरा कर रही है तो वो कहलाएगी रिसोर्सेज। तो आई होप आप लोगों को रिसोर्सेज का डिफिनेशन समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर से उसको समझा देता हूँ, हमारे एनवायरनमेंट में हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है वो कहलाती है रिसोर्सेज। इसके बाद टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सपेक्टेबल के अकॉर्डिंग भी जो चीजें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो कहलाती है रिसोर्सेज। तो आई होप आप लोगों को रिसोर्सेज का मतलब समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में। देखिए आपको डेवलपमेंट के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी डेवलपमेंट ही है, तो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम उसे कवर करेंगे। अभी एक शॉर्ट वे में आपको केवल मैं डेवलपमेंट का मतलब बता दे रहा हूँ। जब इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हम कवर करेंगे अपने इसी चैनल एजुकेशन हाइक्स पे, तब वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो अभी थोड़ा सा जानते हैं शॉर्ट तरीके से डेवलपमेंट है क्या। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू पॉजिटिव चेंज इन एनीथिंग। किसी भी चीज में जब लगातार पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो वही कहलाता है कि आपका डेवलपमेंट। ओके,
किसी भी चीज में जब पॉजिटिव चेंजेस, कैसे चेंजेस पॉजिटिव, अगर किसी चीज में नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं लगातार कई सालों तक वो चीजें कांस्टेंट बनी हुई है यूं ही की यूं ही, तो क्या वो डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में पॉजिटिव चेंजेस आना। आज वो कम थी, कल वो ज्यादा हो, परसों और ज्यादा, फिर और ज्यादा, तो चीजें बढ़ती ही रहे, कंटीन्यूअसली उसमें इंप्रूवमेंट दिखता रहे, और वो भी कैसा इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, तब तो वो चीज आपकी कहलाती है डेवलपमेंट। तो आई होप चैप्टर नंबर फर्स्ट जो ज्योग्राफी का है, रिसोर्सल एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए, हम अपने सेकंड टॉपिक पर आ चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब देखो, आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, और थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्लास 8th में आपने एनसीईआरटी में ये सभी चीजें पढ़ी हैं, रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस सब कवर किया है। क्लास 10th में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस करके एक टॉपिक है। ठीक, ये चीजें हमारी क्लास 10th के एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है 4 बेसिस पे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, क्लास 10th की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की, क्लास 10th की, उसमें क्लासिफिकेशन में केवल नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया गया है 4 बेसिस पे क्लासिफाई करके 12 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बताया गया है। ठीक, वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज का भी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने रिसोर्सेज कवर किया लास्ट टॉपिक में, उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में जाना एक शॉर्ट टर्म में, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कवर करते हैं। ठीक, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। 3 प्रकार के रिसोर्स होते हैं, एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्लास 8th में आपने ये पढ़ा रहा होगा, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर टू सेटिस्फाई अवर नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। हर वो चीज जो हम नेचर से लेते हैं, हर वो चीज जो हमें नेचर से मिली हो और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हो, ध्यान दीजिएगा, हर वो पर्टिकुलर थिंग्स जो हमें नेचर से मिल रहा हो और हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा हो वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती हैं, तो क्या आप उनको नेचुरल रिसोर्सेज कह दोगे? बिल्कुल भी नहीं कहोगे, क्योंकि वो जरूरत को पूरा ही नहीं कर रही है ना। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज उन्हीं चीजों को कहा जा सकता है जो हमें नेचर से मिले और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हो। ठीक, तो उन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट, वाटर, एयर, दीज ऑल आर अवर नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। हमारे जिंदा रहने के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी है, और ये सभी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? नेचर से। ठीक, अब सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन मेड मतलब कि किसके द्वारा बनाया गया? इंसानों के द्वारा बनाया गया। ऐसा रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है और हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो कहलाता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखो, ऑल दोज रिसोर्सेज विच मेड बाय ह्यूमन एज पर रिक्वायरमेंट टू सेटिस्फाई अवर नीड। ये कह रहा है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब यह है कि हर वो रिसोर्सेज जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा बनाया गया हो और हमारी ही जरूरतों को पूरा कर रहा हो वो कहलाता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते कैसे हैं? तो आपको बता दें, जो भी हमारे नेचर में गुड्स होते हैं, उन गुड्स को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब मॉडिफाई कर देते हैं और फिर उस मॉडिफाई गुड्स को अपने यूज में लाते हैं, तो वही आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, और ये मेरा मार्कर, ठीक है, मार्कर भी, ओके, ये सारी की सारी चीजें आपके किसने बनाई हैं? इंसानों ने बनाई हैं, और ये सभी हमारी जरूरतों को पूरा कर रही हैं, तो ये हमारे लिए क्या होंगी? रिसोर्सेज होंगी। कल को ये मार्कर जब खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इसे फेंक दूंगा। तब ये मेरे लिए रिसोर्सेज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब ये मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि रिसोर्सेज हम उन्हीं चीजों का कह सकते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हों, अब वो चाहे जो भी हो। ओके, अब देखिए, तीसरा टाइप है रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। कई बार बच्चों को डाउट्स होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही ईजी डिफिनेशन से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द सेट ऑफ द पीपल हु मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस सेक्टर एंड फॉर इकोनॉमी।
जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं एक वो वर्कफोर्स की तरह होते हैं। वो क्या होता है? वो सेट ऑफ पीपल्स, बहुत सारे सेट ऑफ पीपल्स एक वर्कफोर्स की तरह होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, या आप कह सकते हो किसी पर्टिकुलर नेशन की इकोनॉमीज के लिए लगातार वर्क कर रहे हो, लगातार क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो कहलाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो उस कंट्री के लिए एसेट्स होता है, और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कैसे, जैसे सपोज करिए एज अ टीचर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो आपकी एक जरूरतें मुझसे पूरी हो रही हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी ये भी तो एक जरूरतें मुझसे पूरी हो रही हैं, तो मैं आपके लिए क्या होऊंगा, मैं आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स होऊंगा। इसी प्रकार से जब हम क्या कहते हैं कोई क्राइम होता है तो हम किसके पास जाते हैं, पुलिस मैन के पास जाते हैं, वो क्या करता है इन्वेस्टिगेशन करके हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये जो ऐसे वर्कफोर्स होते हैं, ऐसे पीपल जो कंट्री के लिए एसेट्स होते हैं, वही कहलाते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स। तो ये टाइप्स ऑफ रिसोर्स हमने कवर किया, इसको इसीलिए कवर किया ताकि हमें रिसोर्सेज के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अपकमिंग वीडियोस जब आएंगे तो अपकमिंग वीडियोस में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कवर करेंगे, जिनमें केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया 4 बेसिस पे 12 रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर जो है रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और ये इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए जो थर्ड टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने सबसे पहले टॉपिक में रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की डेफिनेशन को जाना, सेकंड टॉपिक हमने कवर किया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और थर्ड टॉपिक ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जल्दी कोई हमें बताता नहीं है, लेकिन अगर हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, हम चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। जितना बुक में दिया गया उतना ही नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में और भी हमें जानना चाहिए, तभी जाके पूरी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि बुक में जो दिया गया है वो सफिशियंट है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर पूरी तरह बेसिक से कवर करेंगे पूरा चैप्टर तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं रिसोर्स और डेवलपमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वन है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वन। अब कॉम्प्लेक्स वन क्यों है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा फैक्टर भी अपने आप इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर भी इनको कॉम्प्लेक्स वन बोला गया है। प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होते हुए भी कॉम्प्लेक्स वन बोला गया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दें, पहली बात तो ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप को। लेकिन कॉम्प्लेक्स वन यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन ये आ जाता है कि किसी भी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है अच्छी तरीके से जब रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। रिसोर्सेज को यूज़ करने से पहले उसकी प्लानिंग हो और उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ से बचा जा सके। अगर रिसोर्सेज के वेस्ट से, उसके इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ से हम बचेंगे और उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट आपका अच्छा डेवलपमेंट कहलाएगा। क्योंकि अगर रिसोर्सेज को वेस्ट करके आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो रिसोर्सेज के वेस्ट होने से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, इसीलिए कॉम्प्लेक्स वन बोला गया है। प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होते हुए भी कॉम्प्लेक्स वन का मतलब यही है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तब तो हम उसको फुल्ली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद जो आपका डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स वन, ये आपका थर्ड टॉपिक था इस पर्टिकुलर चैप्टर।